गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश ग्रामर क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन नंबर 12, लेसन नेम नंबर्स काउंटिंग 1 to 100, नोटबुक एक्सरसाइज। आपको ये एक्सरसाइज अपनी बुक में भी फिल करनी है, कंप्लीट करनी है, और नोटबुक में भी सेम टू सेम ऐसा ही कंप्लीट करना है। ओके, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट इन वर्ड्स। आपको जो यहाँ पे नंबर्स दिए हैं, आपको 1 से लेके 100 तक आपने स्पेलिंग्स अपनी बुक में कंप्लीट कर ली होगी, जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। आज हम उसकी सेकंड पार्ट कर रहे हैं, उसमें आपको जो क्वेश्चन आंसर है वो करने हैं, कंप्लीट करने हैं, और ये नोटबुक में भी आपको करना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट इन वर्ड। फर्स्ट आपका नंबर दिया है 5, तो स्पेलिंग ऑफ 5, आपको 5 की स्पेलिंग आपको मालूम है क्या होती है। स्पेलिंग ऑफ 5 इज FYVE 5, आप सबको आता है FYVE 5। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज 8। 8 की स्पेलिंग होती है EIGHT 8। देन यहाँ पे कौन सी स्पेलिंग है, 9, NINE 9। आपको जो इस नंबर्स दिए हैं उनकी स्पेलिंग यहाँ पे लिखना है। देन व्हाट इज दिस नंबर 11, तो हम क्या लिखेंगे, ELEVEN 11, ELEVEN 11। नंबर 12 की स्पेलिंग होती है TWELVE 12। एंड दिस इज 17, तो 17 की स्पेलिंग SEVENTEEN 17। आपको 1 से 100 तक स्पेलिंग्स लर्न करनी है, तभी आप ये फिल कर पाएंगे। देन 20 की स्पेलिंग है TWENTY 20। स्पेलिंग 65 की स्पेलिंग क्या होती है, SIXTY 60 लिखना है आपको, और उसके बाद में क्या लगाना है, FYVE 5 60 5। देन व्हाट इज दिस नंबर 73 की स्पेलिंग, पहले 70 लिखना है आपको, SEVENTY 70, और उसके बाद क्या आएगा, ये है 3, तो 3 की स्पेलिंग लिखेंगे THREEE, दो बार ई लिखना है, 73 SEVENTY 70 एंड 3। और ये किस स्पेलिंग है, नंबर 86, तो आपको 80 की स्पेलिंग EIGHTY 80, और देन SIX 86। ओके, ये नंबर्स लर्न करेंगे तो आपको स्पेलिंग्स भी आ जाएगा। ओके बेटा, नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 2। फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स। आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक मतलब सेंटेंस दिए हैं और फिल अप दिए हैं, उसके नीचे यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं, वो आपको नंबर्स को वर्ड्स में करके उसको यहाँ कन्वर्ट करके यहाँ लिखना है। ओके, फर्स्ट इज आई हैव डैश हैंड्स एंड डैश फिंगर्स। तो वी हैव, अपने कितने हैंड्स होते हैं, सबके हैंड 2 ही हैंड होते हैं, और नीचे यहाँ पे देखिए 2 नंबर दिया है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 2, जो नंबर दिया उसकी स्पेलिंग लिखनी है TWO 2, एंड FINGERS फिंगर्स। एंड हाउ मैनी फिंगर्स यू हैव, आपके कितनी फिंगर्स हैं, वी हैव 10 फिंगर्स, और यहाँ पे नंबर भी 10 दिया है, वी राइट हियर TEN 10। आई हैव 2 हैंड्स एंड 10 फिंगर्स। ओके, नंबर 2 इज, इट इज डैश ओ क्लॉक बाय माई WATCH वॉच। यहाँ पे नीचे देख सकते हो ब्लैंक के नीचे क्या नंबर दिया हुआ है, नंबर 7, तो 7 की स्पेलिंग होती है, द स्पेलिंग ऑफ 7 इज SEVEN 7। आपको यहाँ 7 की स्पेलिंग लिखनी है। देन क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर डैश एग्स इन द बास्केट। तो यह नंबर है हमारा, देखो नीचे ब्लैंक के नीचे नंबर दिया है, ब्लैंक के नीचे आपको देखना है नंबर दिया है 6, तो हम आपको क्या स्पेलिंग लिखेंगे यहाँ पे, वी राइट हियर SIX 6। देयर आर 6 एग्स
in this basket. There are 6 eggs in this basket. For number, John has dash pens and dash pencils. यहाँ पे blank के नीचे दिया है 3, number 3. तो हम यहाँ पे 3 की spelling लिखेंगे. John has 3 pens and यहाँ पे number दिया है 13, 13. तो यहाँ पे लिखेंगे 13 की spelling. THIR TEEN 13. Then number 5, I have dash ribbons and dash flowers. अब यहाँ ये देखो 5 नंबर के नीचे ब्लैंक के नीचे दिया है 4. तो हमें यहाँ 4 की स्पेलिंग लिखनी है FOUR 4. और सेकेंड ब्लैंक में दिया है हमें 14. तो 4 की स्पेलिंग लिखनी है FOUR 4 लिख के देन TEEN 10 लिख देना है 14. आई हैव 4 रिबन्स एंड 14 फ्लावर्स. देन नंबर 6, डैश रुपी हैज़ डैश पैसे. तो कितने रुपए यहाँ पे नंबर दिया है बैंक के नीचे 1. तो हमें 1 की स्पेलिंग आपको आती है ONE 1. 1 रुपी हैज़, 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? देयर आर 100 पैसे इन 1 रुपीज़. तो यहाँ पे 100 की स्पेलिंग लिखनी है. मैंने आपको पहले भी लर्न कराई थी स्पेलिंग ऑफ 100 इज HUNDRET 100. HUN लिख के आपको DRED 100. HUNDRET 100. 100 की स्पेलिंग लिखनी है. 1 रुपीज हैज HUNDRET 100. नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 3. काउंट दीज नंबर्स. आपको ये नंबर्स को काउंट करना है और उन नंबर्स को ही यहाँ पे लिखना है. काउंट दीज नंबर. तो काउंट करना है आपको 2 and 2. आपको हैंड में 2 फिंगर्स लेनी है और 2 फिंगर्स लेनी है. 2 and 2 कितने होते हैं आपको काउंट करना है. 2 and 2 इज 4. 2 plus 2 4. आपको काउंटिंग करनी है. मैक्स में आपने किया ही है 2 plus 2 4. देन 3 plus 4 3. हाथ में 3 फिंगर्स लेके और 4 काउंटिंग करना है. 3 plus 4 इज 3 के बाद क्या आता है आफ्टर 3? 4 5 6 and 7. तो हम यहाँ लिखेंगे 7. ओके, इस तरह के आपको काउंटिंग करना है. देन 5 plus 6 इज 11. 1 1 11. आपको काउंटिंग करके यहाँ पे नंबर्स लिखने हैं. देन 10 plus 5 10 plus 5 10 plus 5 1 5 15. 10 plus 5 1 5 15. देन 40 plus 6 इज इक्वल टू 46. 30 plus 8. तो ये टेंस में दिया है और ये वंस है. तो यहाँ 0 है तो हम इसकी जगह क्या करते हैं 8 लिख देते हैं. 30 plus 8 is equal to 38. नेक्स्ट 7 plus 8. 7 plus 8 क्या होता है? 7 plus 8 is equal to 15. 1 5 15. एंड 7 plus 7 is equal to 1 4 14. 7 plus 4 7. 1 4 14. Then 9 plus 3. 9 plus 3 is equal to 1 2 12. 9 plus 3 1 2 12. 60 plus 9. 60 plus 9 is equal to 69. 60 plus 9. इसमें क्या करते हैं, एक टेंस का हो और वंस है. यहाँ पे आपको 60 दिया है तो ये 0 को कट करके जो नंबर होता है वो ही लिख देते. 60 अगर वंस में 0 है तो हम यहाँ पे जो वंस होता है वो यहाँ लिख देते हैं. 60 plus 9 is equal to 69. 50 plus 4 is equal to 54. एंड 80 plus 7 is equal to 87. ओके, ये आपको अपने आप काउंटिंग करना है हैंड में और फिर इसको लिखना है. नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 4.
काउंट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पे काउंटिंग करना है जो नंबर्स नीचे दिए हैं। यहाँ पे भी आपको टू नंबर्स दिए हैं। यहाँ पे हमने पहले क्वेश्चन में खाली वन नंबर था, उसके अब यहाँ पे टू नंबर्स दिए हैं, उनको ऐड करना है काउंटिंग करके। उनके नंबर्स और उनके वर्ड्स उनको आपको यहाँ पे लिखना है, नेम्स लिखने हैं। आई हैव डैश बुक्स, तो यहाँ पे नंबर दिया है 4+2। 4+2 क्या होता है, आपको काउंटिंग करना है। 4+2=6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6, और 6 की स्पेलिंग होती है SIX, 6। आई हैव, यहाँ पे 6 नंबर भी लिखना है और उसका नेम भी लिखना है। आई हैव 6 और SIX 6 बुक्स। क्वेश्चन 2, मिशा हैज़ डैश डॉल्स, तो यहाँ पे 2 नंबर्स दिए हैं, 3+1। 3+1=4 होता है, और स्पेलिंग ऑफ 4 इज FOUR, 4। मिशा हैज़ नंबर्स भी लिखना है आपको और उसकी स्पेलिंग भी आपको यहाँ पे लिखना है। आई मिशा हैज़ 4 डॉल्स, मिशा हैज़ 4 डॉल्स। जॉन हैज़ डैश पेंसिल, नंबर दिए हैं यहाँ पे आपको 10 और 6। 10+6=16। 16 नंबर्स लिखना है और उसकी स्पेलिंग वर्ड्स लिखना है, SIXTEEN 16। जॉन हैज़ 16 पेंसिल। दीज आर डैश एग्स, एग्स यहाँ पे आपको नंबर्स दिया है 20+2। तो 20+2 क्या होता है, 20+2=22, और स्पेलिंग लिखेंगे TWENTY 20 एंड देन TWO 2, 22। नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स। अब इसमें आपको अपने आप इसको लर्न करना है और उसके वर्ड्स लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ वीक हैज़ डैश डेज, तो वीक में डेज कितने होते हैं, तो आपने पहले भी सीखा है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। आप संडे से लेके सैटरडे तक काउंटिंग करोगे तो 7 होंगे। तो टोटल डेज कितने होते हैं, अ वीक हैज़ 7 डेज। आप काउंटिंग करना संडे से लेके सैटरडे तक, तो वो 7 होते हैं। तो टोटल डेज कितने हुए, अ वीक हैज़ 7 डेज। क्वेश्चन 2, अ ईयर हैज़ डैश मंथ्स, जो ईयर होता है आपने देखा जनवरी आता है, कभी फरवरी आता है, तो उसमें कितने मंथ्स होते हैं, ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, तो वन ईयर हैज़ 12 मंथ, एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब जनवरी से दिसंबर तक काउंटिंग करेंगे तो कितने मंथ्स होंगे, टोटल 12 मंथ। द स्पेलिंग ऑफ 12 इज TWELVE, 12। अ ईयर हैज़ 12 मंथ। देन नंबर 3, अ मंथ हैज़ डैश डेज, वन मंथ होता है, एक मंथ होता है ना, हर जनवरी फरवरी वन मंथ होते हैं, उसमें डेज कितने होते हैं, तो कई मंथ्स में 30 डेज होते हैं और कई मंथ्स में 31 डेज होते हैं। आपको मैम ने अभी जो मैथ्स की मैम ने भी आपको सिखाया था 30 डेज और 31 डेज किस में होते हैं, तो जनवरी में जैसे 30 होते हैं, फरवरी में 29, फिर मार्च में 30, अप्रैल में 31, ऐसे 31 और 30 डेज होते हैं। जनवरी में 31 डेज होते हैं, फरवरी में 29 होते हैं, तो मंथ्स में कई मंथ्स में होते हैं 30 डेज, THIERTY 30, और कई मंथ्स में होते हैं THIERTY 30 एंड ONE 1। तो हम यहाँ पे 30 की स्पेलिंग भी लिखेंगे और 31 भी लिखेंगे, अ मंथ हैज़ 30 और 31 डेज, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, अ डेज हैज़ डैश आवर्स, एक दिन में घंटे कितने, आवर्स मतलब कितने घंटे होते हैं, वन डे में कितने आवर्स होते हैं, कितने घंटे होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, वन डे में 24 आवर्स होते हैं। TW आपको ये लर्न करना है, अ डे हैज़ 24 आवर्स, अ डे हैज़ 24, एक दिन होता है, पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं, आवर्स कितने होते हैं, 24। नंबर 5, एंड आवर्स हैज़ डैश मिनट्स, एक घंटे में और में कितना मिनट कितने होते हैं, तो वन आवर हैज़ एन आवर हैज़ कितने मिनट्स होते हैं उसमें, 60 मिनट्स।
एन आवर हैज एस आई एक्स टी वाई 60 एम आई एन यू टी ई एस मिनट्स एन आवर हैज 60 मिनट्स ओके चिल्ड्रन हियर वी कंप्लीटेड आवर लेसन नंबर 12 एक्सरसाइज यू हैव टू राइट दिस एक्सरसाइज इन योर बुक एंड नोटबुक थैंक यू